रोहतक के टारगेट नीट जेई शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं ने अपनी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन में शानदार उपलब्धि हासिल की है। टारगेट के प्रबंध निदेशक गगन चौधरी ने द नेशन टाइम्स के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनके संस्थान से प्रति वर्ष 10 से 15 विद्यार्थियों का चयन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होता है। वैसे तो हम प्रीवियस 3 ईयर से, जैसे जब से हमने टारगेट नीट जेई इंसेप्ट किया, तो एवरी ईयर हमारे अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं जी। तो वही लेगेसी रखते हुए इस बार भी आउट ऑफ 60 स्टूडेंट हमारे अराउंड 15 स्टूडेंट इस बार भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको मिल रहा है जो एक्सपेक्टेड है जी। और अराउंड 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 600 अबव मार्क्स अटेन करें और 590 से और 600 के बीच में अराउंड 10 स्टूडेंट्स हैं और 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी है और उनके मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 580 से अबव, तो उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो अराउंड हमारे इस बार भी मोर देन 12 स्टूडेंट्स अराउंड 15 स्टूडेंट के करीब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे आउट ऑफ 60 स्टूडेंट। गगन चौधरी पिछले लगभग 15 वर्षों से शिक्षण क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका साफ कहना है कि उन्होंने यह महसूस किया है कि एजुकेशन मॉडल बिजनेस मॉडल की तरह काम कर रहा है, ऐसे में हमने अपने सेंटर में इस व्यवस्था को बदलते हुए अपने तरीके से स्टूडेंट मॉडल विकसित किया है जिस पर टारगेट काम कर रहा है। सर, जैसे मैंने खुद कोचिंग इंडस्ट्री में काम किया, 15 ईयर तक काम किया, तो मैंने देखा कि एजुकेशन मॉडल कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल की तरह काम कर रहा है जी। तो हमने एक स्टूडेंट अब ऐसा एक मॉडल बनाया जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, स्टूडेंट मॉडल हम इसको नाम देते हैं, जिसमें हम हर एक स्टूडेंट की लर्निंग कर्व को समझते हुए कि उसकी क्या स्पेसिफिक नीड है और उस पर हम काम करते हैं, ताकि जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा है उसका भी पोटेंशियल हम ग्रूम करके उसको उस लेवल पे ला सकें जहाँ पे वो अपना बेस्ट दे सके, बेस्ट एफर्ट लगा सके। हमारी पूरी टीम एक सिंक्रोनाइज वे में उस पर काम करती है और उसके अंदर से जो भी बेस्ट आ सकता है उसके निकालने की कोशिश करें। टारगेट के प्रबंध निदेशक गगन चौधरी ने सफल हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यदि आप किसी भी क्षेत्र में जमकर मेहनत करते हैं तो कामयाबी एक दिन जरूर आपके कदम चूमती है। मैं अपने अनुभव से यही कहूँगा कि जो बच्चा एकाग्र मन से और एक लक्ष्य को लेते हुए दिन रात परिश्रम करता रहता है और बिल्कुल ही अपनी दिशा से नहीं भटकता और बहुत ही कंसिस्टेंसी उसकी है और जो भी उसका काम करा उसको काम यहाँ से मिलता है, जो भी उसके टीचर्स को काम देते हैं अगर वो प्रॉपरली उसको कर रहा है तो निश्चित उसको सफलता मिलती है। और जो भी यहाँ के टेस्ट हैं और जितना भी यहाँ का स्टडी मटेरियल अगर बच्चा कम्प्लीटली कर लेता है तो यहाँ पर उसकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाती है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि अभी नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई भी बच्चा जिसको इस बार वो मार्क्स नहीं अटेन कर पाया तो अभी से हताश ना होके फिर से एक एकाग्र मन से उस दिशा में काम करना शुरू करें तो उसको निश्चित ही सफलता मिलेगी।